हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक को डोमिनेंस। तो आपके क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया एक टॉपिक को डोमिनेंस, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो को डोमिनेंस है क्या? को डोमिनेंस इज वेन द हीट्रोजाइगोट शो हीट्रोजाइगस कंडीशन में द ट्रेड जो हीट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा वो शो करेगा दैट रेट एसोसिएटेड विद बोथ होमोजाइगस फिनोटाइप। तो ये जो हीट्रोजाइगस कंडीशन का ऑर्गेनिज्म है ये आपको क्या दिखाएगा? इस तरह के लक्षण दिखाएगा जो लक्षण उसके दोनों होमोजाइगोट जो इंडिविजुअल थे, पेरेंट्स थे, उन दोनों के लक्षण को ये समाहित करके दिखाएगा। ठीक है जी। तो द हीट्रोजाइगोट शोज द ट्रेट एसोसिएटेड विद बोथ होमोजाइगस फिनोटाइप। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कोडोमिनेंस क्या है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अपनी बुक के हिसाब से कि कोडोमिनेंस क्या है। तो पहले कोडोमिनेंस को समझने से पहले हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस समझते हैं जो हमारे मेंडल भाई साहब ने दिया था। करेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कि करेक्टर को, करेक्टर क्या है? इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड करेक्टर। लक्षण भाई, लक्षण क्या है और लक्षण को कंट्रोल कौन करता है? लक्षण को डिस्क्रीट यूनिट, एक यूनिट कंट्रोल कर रही है, फैक्टर, जिसको आपकी आज के दौर में आप जीन के नाम से जानते हैं। फैक्टर्स फैक्टर पेयर में होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, फैक्टर पेयर में होंगे, जीन पेयर में होंगे। जीन किस पे होते हैं? क्रोमोजोम पे होते हैं। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रोमोजोम पे, स्पेसिफिक लोकाई पे जीन होता है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अब ये भी हो सकता है कि दो कॉपी हैं हर जीन की आपके पास। दो कॉपी क्यों है? मानिए कोई जीन, पर्टिकुलर जीन, जैसे कि जीन आई जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, दैट जीन आई इज सिचुएटेड ओवर द क्रोमोजोम नंबर 9। अब क्रोमोजोम नंबर 9 की दो कॉपी हैं आपके पास। एक कॉपी आपको आपके फादर से मिली वाया स्पर्म और एक कॉपी आपको आपकी मदर से मिली थ्रू एग। तो 9 नंबर के जीन आपके, 9 नंबर के क्रोमोजोम दो हैं आपके पास, तो इसका मतलब है जीन आई भी दो हैं, क्योंकि उसको स्पेसिफिक लोकाई पे मिस्टर शर्मा दरीबा कलान की एक सोसाइटी में रहते हैं जो न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली अगर आपके पास दो हैं तो दरीबा कलोन कॉलोनी भी दो हैं और मिस्टर वर्मा या शर्मा भी दो हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये हुई। तो क्योंकि हर क्रोमोसोम के दो नंबर हैं आपके पास, दो कॉपी हैं, इसलिए पर्टिकुलर जीन की अगर हम बात करें तो उसकी भी दो कॉपी हैं। और जीन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, दैट इज एलील। और आप कहिए कि जीन कोडिंग फॉर कॉन्ट्रास्टिव ट्रेट, दैट आर एलील। तो इसीलिए एलील भी आपके पास या एक जीन की दो कॉपी हैं आपके पास। अब ये जो फैक्टर पेयर में है, इसमें ऐसा हो सकता है कि पेयर में जो जीन है उसकी जो कॉपी है सेम हो, दोनों जगह कैपिटल टी हो होमोजाइगस कंडीशन, दोनों जगह लोअर केस टी हो होमोजाइगस कंडीशन, और या ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी, ये हीट्रोजाइगस कंडीशन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब जब एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जब ये फैक्टर डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, सिमिलर में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, अगर कैपिटल टी ही है दोनों जगह प्लांट ऑल ही होगा, लोअर केस टी है तो प्लांट ड्रॉप ही होगा, दिक्कत कहाँ होगी या झगड़ा कहाँ होगा जहाँ पे ये अलग है? तो झगड़ा होगा तो सीधी सी बात है, जो पहलवान ज़्यादा तगड़ा वो दूसरे को पटक देगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा आपको आसान भाषा में, जो एलील दबंग होगा, हुड़हुड़ दबंग, वो अपने को एक्सप्रेस कर देगा, डोमिनेंट होगा, वो दूसरे को बोलने नहीं देगा, शटअप कर देगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा, जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो रिसेसिव वो है जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया हिट्रोजाइगस कंडीशन में, डोमिनेंट वो है जिसने अपने को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। इट इज़ अ इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। एक डोमिनेंट है, एक माता है, एक पिता है, आप जानते हो घर में एक ही की चलती, भले माता की भले पिता की, तो एक की चलेगी एक की नहीं चलेगी। ठीक है बात। तो एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। अब आप आइए लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ लिया, अब कोडोमिनेंस पे आइए। तो आपने देखा सर्टेन ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा, या दूसरे शब्दों में हम बोलें जो लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे, या आप कहिए कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे डेविएशन है लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो कोडोमिनेंस भी डेविएशन है, इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी डेविएशन है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इट इज़ आल्सो अ डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ से डेविएशन है, उसको नहीं मान रहा जो बात कह रहा है। कौन? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है? हीट्रोजाइगस कंडीशन में इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, ये बात कही गई।
तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको कोडोमिनेंस के केस में. इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ द एलील रिप्रेजेंट्स देमसेल्फ, दोनों ही एलील दिखा देंगे अपना जज्बा, अपना जानकारी अपने को रिप्रेजेंट कर देंगे. इन द प्रोजेनी इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, तो F1 जनरेशन के जो बनेंगे ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स दोनों पेरेंट्स के लक्षणों को दिखाएंगे. इन दिस बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो हिटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील अपने को एक्सप्रेस कर देंगे, अपना इफेक्ट दिखा देंगे. अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसका एक अच्छा क्लासिकल एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दैट डिटरमिन्स एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को निर्धारित करता है. एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय बीएनआई व्हिच इज लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम नंबर 9, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन निर्धारित कर रहा है, दैट इज जीन आई, और वो कहाँ सिचुएटेड है, और क्रोमोसोम नंबर 9 या आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, तो यहाँ से मैं कहता हूँ रिपीटर के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं देता हूँ, डिलीवर करता हूँ, तो आप लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में जीन आई इज लोकेटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 9. चलिए आगे चले. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है शुगर पॉलीमर, एंटीजन कह लीजिए इसी को या शुगर पॉलीमर कह लीजिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे आपको शुगर पॉलीमर मिलना है दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट सरफेस, जो सरफेस से थोड़ा बाहर को निकले, एंड काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय द जीन, जीन आई हैज थ्री एलील, और ये जीन, ये शुगर कैसी होगी, शुगर पॉलीमर या एंटीजन, वो निर्धारित करता है जीन आई, जिसके कि तीन रूप आपको ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलना है, आई ए, आई बी और आई, या आई कह लीजिए या आई ओ कह लीजिए, ओ का मतलब जीरो. आइए अगर ये जीन है, एलील है, तो ये ए टाइप का शुगर बनाएगा, बी है तो बी टाइप की शुगर बनाएगा, आई ओ या आई ज़ीरो या ये आई आई कुछ भी मान लीजिए आप, इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से डिनोट किया गया है, तो आई से डिनोट कर लीजिए, आई ओ से डिनोट कर लीजिए, तो बेसिकली किसी भी तरह की शुगर नहीं बन रही, ज़ीरो, ठीक है. द जीन आई लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम नंबर 9, पीछे पड़ लिया हम लोगों ने, बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होता है बेटा, ये नंबर ऑफ जीनोम बताता है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड पेंटाप्लॉयड, ये क्या बताता है, पोलाइडी, पोलाइडी क्या है, पोलाइडी बता रहा नंबर ऑफ जीनोम प्रेजेंट इन अ सेल, कितने जीनोम प्रेजेंट है सेल में. अगर दो जीनोम है, एन की वैल्यू 2 है दो जीनोम, तो डिप्लॉयड है, एन की वैल्यू 1 है तो हैप्लॉयड है, एन की वैल्यू 3 है तीन दिनों में तो ट्रिप्लॉयड है, एन की वैल्यू 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है हेप्टा, सो ऑन आप कह सकते हैं, इसको हमें डिस्कस नहीं करना, हम बता रहे हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. तो जीनोम क्या है, जीनोम है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा सेट. आप जानते हैं ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में 23 उसने इनहेरिटेड किए हैं किससे, मदर से, 23 किए हैं किससे, फादर से. तो एक पूरा सेट, 1 से 23 तक का पूरा सेट उसको किससे मिला, फादर से, वाया स्पर्म, 1 से 23 तक का पूरा सेट उसको किससे मिला, इंडिविजुअल को भाई, वाया एग, मदर से, ठीक है. तो 1 से 23, तो दो नंबर के क्रोमोसोम की भी दो कॉपी हैं, 4 नंबर के भी, 6 नंबर के भी, 7 की भी, 8 की भी, 9 की भी, 10 की भी, इस तरह से 22 आपके ऑटोसोम, उसके बाद 23वां आपका सेक्स क्रोमोसोम, एक्स या वाई हो सकता है, अगर एक्स वाई कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इंडिविजुअल मेल है, एक्स एक्स कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम, टोटल इन ऑल 46, तो ये डॉटर या फीमेल है, और अगर 44 प्लस एक्स वाई है तो ये मेल है. ओके, ये बात समझ में आ गई है आपके. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ईच पर्सन पोजेस एनी टू ऑफ दिस थ्री एलील, तो क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन में तीन तरह के एलील मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल में इन तीन में से दो ही हो सकते हैं. अरे भैया आपके पास टू व्हीलर है, स्कूटर है, तो दो ही गद्दी हैं, उस पर दो ही लोग बैठ पाएंगे, तीन थोड़ी ना बैठ पाएंगे, ठीक है ना, बात समझ में आई. तो अब आप डिप्लॉयड हैं, अगर ट्रिप्लॉयड होते तो तीन एलील आपके पास आई के हो सकते थे, लेकिन क्योंकि आप डिप्लॉयड हैं तो भले ह्यूमन पॉपुलेशन में तीन एलील की अक्रेंस है, लेकिन किसी ह्यूमन बीइंग में दो ही एलील मिल सकते हैं, आई ए एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई. अब जब ये बनेगा कॉम्बिनेशन आई ए एंड आई, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से एक अपने को रिप्रेजेंट कर देगा, इस वाले इंडिविजुअल में ए टाइप की शुगर होगी उसके, किस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आरबीसी की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, ये ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा. तो आई ए है वो भी ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि टाइप ऑफ एंटीजन से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप को ये पर्सन बिलोंग करता. तो या तो होमोजाइगस आई ए या कहिए आई ए और आई, तो ए कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर आई,
और इसी तरह से आई बी आई का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो ये भी कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर आई, तो बी शुगर बन जाएगी, ठीक है, आई ए आई बी। अब आगे चलिए, इन अदर वर्ड्स व्हेन आई ए एंड आई आर प्रेजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेस इटसेल्फ, जब आई ए और आई है तो आई ए अपने को रिप्रेजेंट कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा और आई कोई शुगर नहीं बना रहा, एंड आई बी एंड आई प्रेजेंट ओनली आई बी एक्सप्रेस इटसेल्फ बीटा आई बी शुगर बन जाएगी, तो ये ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हो जाए। अब आप आइए क्या होगा उस केस में जब आई ए और आई बी का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप ये है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से आइदर ऑफ द पेरेंट का एक्सप्रेशन आना चाहिए कैरेक्टर का, या तो आई ए बन जानी चाहिए शुगर या आई बी बन जानी चाहिए, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही नहीं माने, दोनों पहलवान आखिरी तक लड़ते रहे, मैच ड्रॉ हो गया, कोई भी किसी को चित्त नहीं कर पाया, दोनों ने अपने को दिखा दिया, तो शुगर कैसी बनी, आई ए और आई बी दोनों तरह की बनी, इसलिए ये किस ब्लड ग्रुप को जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप को, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, और इसको हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब बोथ द एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ अपने को एक्सप्रेस कर देते हैं, वो नहीं दबते, तो वो कोडोमिनेंस का केस होता है, हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर। तो इस तरह के इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दोनों तरह की शुगर होगी, सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील, तीन डिफरेंट एलील हैं, देयर आर सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री एलील, तो छह तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जीनोटाइप। भाई रोटी दाल चावल है तो इनका क्या किस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, रोटी के साथ चावल, दोनों जगह रोटी, रोटी चावल, दाल चावल, इस तरह से आप देखेंगे छह तरह के आपके जीनोटाइप बन जाएंगे, आई ए आई ए आई ए आई ओ आई ए आई बी, फिर आपका आई बी आई बी आई बी आई ओ और आई ओ आई ओ, ये छह तरह के आपके जीनोटाइप। इन कॉम्बिनेशन में तीन में से किन्हीं भी दो को आप चूज कर लीजिए तो सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, सिक्स डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप हो गए। और अगर फीनोटाइप को देखें तो चार तरह के, तो आपको याद रखना है छह जीनोटाइप और चार फीनोटाइप देता है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में, तो छह आपके यहाँ पे देखिए चार जीनोटाइप क्या हैं, छह आपके जीनोटाइप आई ए आई ओ आई ए आई ए आई बी आई ओ आई बी आई बी आई ए आई बी आई ओ आई ओ, और चार फीनोटाइप हैं, ये दोनों ही में ब्लड ग्रुप ए होगा, इन दोनों में ब्लड ग्रुप बी होगा, इन दोनों में ब्लड ग्रुप ए होगा, आई ए आई ओ कम्प्लीटली डोमिनेंट, और जब ये है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं इसको दबाने वाला, तो आई ए, ठीक है। अब इस वाले में आइए आई बी आई ओ आई बी आई बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। इस वाले केस में ए बी में दोनों ने रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी हो गया, और इस वाले में आपका ओ हो गया, तो चार फीनोटाइप और छह जीनोटाइप पॉसिबल हैं तीन आपके एलील वाले केस में, ठीक है जी। चलिए आगे चलूं, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग आल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स, ये क्लासिकल एग्जांपल है मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील जब दो से ज्यादा एलील जीन के होते हैं किसी भी जीन के, उसको मल्टीपल एलील का केस बोलते हैं, यहाँ पे तीन है तो हम इसको मल्टीपल एलील का केस बोलते हैं। मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, तो इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इंडिविजुअल में दो ही एलील क्योंकि डिप्लॉयड है। हाँ, पॉपुलेशन जब आप स्टडी करेंगे तो मल्टीपल एलील का केस आपकी जानकारी में आ सकता है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लें। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन आर कंट्रोल बाय जीन आई, तीन एलील हैं, सिंस दे आर थ्री डिफरेंट एलील, सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी फीनोटाइप, अभी आपको रटाया छः जीनोटाइप चार फीनोटाइप। आगे चलिए, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दे आर थ्री डिफरेंट एलील फॉर अ पर्टिकुलर जीन, ऑफ दिस थ्री एलील वन इज रिसेसिव एंड टू एलील्स when present together exhibit codominance, how many phenotypes are possible, ये दूसरे शब्दों में आपसे बताया गया है। अगर आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की डिटेल मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप ये पाते ही समझ जाओगे कि ये ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहा, घुमा के कर रहा, उसने आपको क्लियर कट डायरेक्ट ना पूछ के घुमा के पूछा कि आपको क्या ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में इतनी मालूम है बात कि तीन एलील में से एक रिसेसिव है, आई ओ वाला रिसेसिव है, दो, और जब दो इकट्ठे आ जाते हैं बाकी के दो तो कोडोमिनेंस का केस दिखाते हैं, तो बेसिकली वो आपसे इनडायरेक्टली ढके छुपे शब्दों में ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहा, हाउ मेनी फीनोटाइप्स आर पॉसिबल, कितने फीनोटाइप पॉसिबल थे, चार। चलिए आगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो,
व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैड ए बी ब्लड ग्रुप. ए बी ब्लड ग्रुप दोनों पेरेंट का है तो आपको उनका जीनोटाइप मालूम होना चाहिए. ये आप यूनिट स्क्वायर बना लीजिए और निकाल लीजिए कि बच्चा अगर इनका हो तो उसका क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है. बिल्कुल निकाल लेंगे आप. यूनिट स्क्वायर बनाया तो यहाँ वाला जो ऑर्गेनिज्म बन रहा उसका ए ब्लड ग्रुप, इस वाले का ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, आई ए आई बी आ जाएगा यहाँ पे. इस वाले का आई ए आई बी आ गया, ये बी ब्लड ग्रुप, और इस वाले का बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, आई बी होगा यहाँ पे. इस वाले का ए ब्लड ग्रुप, इस वाले का बी ब्लड ग्रुप, और बाकी के दो का क्या, बाकी के दो का ए बी ब्लड ग्रुप. ठीक है जी, आ गई बात समझ में. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निकाल लेंगे इस वाले का ए, इस वाले का बी, इसका ए बी और इसका ए बी. ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, ए बी वाले को आप क्रॉस करा देंगे. इन द इफ़ द चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो चाइल्ड का जीनोटाइप ये है. एक आई ओ उसको किससे मिला, फादर से, दूसरा हमें अभी निकालना है. ठीक है, इफ़ द फादर हैज़ ए ब्लड ग्रुप, और फादर का ए ब्लड ग्रुप है तो दूसरा ए ब्लड ग्रुप फादर का तभी हो पाएगा जब उसके पास आई ए वाला एलील हो. तो ये फादर का आपने जीनोटाइप क्रैक कर लिया. अब मदर कह रहा मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप आई ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो एक आई या आई ओ एलील उसको फादर से एक मदर से. तो मदर को एक तो आपको कन्फर्म हो गया आई ओ है, और क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास दूसरा जो एलील है वो आई बी है. ठीक है जी, तो आपको फादर का भी जीनोटाइप आपने क्रैक कर लिया, मदर का भी क्रैक कर लिया, आई ओ आई ए फादर का और आई ओ आई बी मदर का, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस तरह का घुमा के क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे. उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा. मल्टीपल एलील के बारे में या आई बी ओ ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में ये आपका मेरा सेशन था. ए बी ओ ब्लड ग्रुप कह लीजिए, मल्टीपल एलील कह लीजिए, कोडोमिनेंस कह लीजिए, इससे रिलेटेड अब आप पी वाई क्यू लगा लीजिए, एम सी क्यू लगा लीजिए, और देखिए कि आपको इस टॉपिक पर कमांड आ गई. उम्मीद करता हूँ आ गई होगी. मिलता हूँ ब्रेक के बाद. गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.